नमस्कार एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका ऑन दैनिक जागरण आईनेक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म लेट्स टॉक। और आज के इस वेबिनार में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है किडनी ट्रांसप्लांट। अब जब बात कर रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट की, तो सोचने वाली बात ये भी हो सकती है कि आखिर क्या है ये किडनी ट्रांसप्लांट। तो यहाँ इन शॉर्ट आपको बता दूं कि जब किसी इंसान की खराब किडनी को किसी दूसरे पर्सन की हेल्दी किडनी से रिप्लेस किया जाता है तो उस रिप्लेसमेंट को किडनी ट्रांसप्लांट कहा जाता है। एंड एक्चुअली इस किडनी ट्रांसप्लांट को उस सिचुएशन में किया जाता है जब एक स्टेज पर किडनी डायलिसिस सक्सेसफुल साबित नहीं हो पाता है। पर सिर्फ इतना ही नहीं, किडनी ट्रांसप्लांट सरीखे इस टर्म से जुड़ी ढेरों बातें, ढेरों मिथ्स ऐसे हैं जिनका सॉल्यूशन हमसे जुड़ने वाले व्यूअर्स आज जरूर जानना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए हमारे इस वेबिनार पर, विच इज स्पॉन्सर्ड बाय SRL डायग्नोस्टिक्स। एंड बात करें SRL डायग्नोस्टिक्स की, तो इसके बारे में भी आपको बता दूं कि SRL इज अ लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक नेटवर्क इन इंडिया विद मोर देन 400 लैब्स स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री हैविंग 4 रेफरेंस लैब्स। SRL गुड़गांव रेफरेंस लैब हैज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस HLA एंड ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनोलॉजी विच परफॉर्म्स हाई एंड स्पेशलाइज टेस्टिंग फॉर ट्रांसप्लांटेशन केसेस। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी SRL लैब्स का, जिनके सौजन्य से आज हम इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अपने व्यूअर्स के लिए इस वेबिनार को लेकर आए हैं। सो चलिए दोस्तों, हम अपने सेशन को आगे बढ़ाने से पहले स्वागत करती हूं मैं अपने इस वेबिनार पर अपने एक्सपर्ट्स का, जिनमें शामिल हैं नई दिल्ली एम्स के फॉर्मर डीन एंड नेशनल चेयर व SRL लिमिटेड के मेंटोर प्रोफेसर नरेंद्र के मेहरा। नई दिल्ली से सर गंगाराम हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी के चेयरमैन डॉक्टर AK भल्ला जी। पंजाब से जालंधर के इंडिया किडनी हॉस्पिटल एंड डायलिसिस सेंटर के कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर राघवेंद्र सिंह। पोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल NCR से नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर संजीव गुलाटी जी। एंड कोलकाता से नेफ्रोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन फोर्टिस हॉस्पिटल एंड किडनी इंस्टीट्यूट आनंदपुर के डायरेक्टर डॉक्टर अरूप रतन दत्ता जी। तो एक्सपर्ट, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस वेबिनार पर। और आप जैसे एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर मैं आज इस वेबिनार को मॉडरेट कर रही हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अपने इतने कीमती समय से समय निकालकर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे इस वेबिनार के साथ। तो अपने व्यूअर्स का बहुत ज्यादा और टाइम ना लेते हुए मैं आगे बढ़ाती हूँ अपने सेशन को और पूछती हूँ सबसे पहला सवाल डॉक्टर NK मेहरा जी से। डॉक्टर साहब, ईश्वर ने हमें 2 किडनी दी है, पर किन्हीं कारणों से अगर कभी किसी के साथ ऐसा हो कि उनकी दोनों किडनी खराब हो जाती हैं और तरह तरह के डायलिसिस के बाद भी उन्हें किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ती है, तो डोनर सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? जी, ये बहुत ही अहम सवाल आपने किया है। और सबसे पहले तो मैं अपने पैनल की तरफ से आपका दैनिक जागरण का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू पे इस तरह का वेबिनार किया। और बहुत अच्छे अच्छे हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस पैनलिस्ट आए हुए हैं, तो बड़ा अच्छा रहेगा। अब आपने पहले ही कह दिया कि जब किडनी खराब हो गई तो बाहर से एक किडनी चाहिए। तो बाहर से कोई भी चीज हम अगर इंसान में डालते हैं तो वो रेसिपियंट का इम्यून सिस्टम सामने आ जाता है, इम्यून सिस्टम उसको लेने नहीं देता। तो एक तरह से हम कहते हैं एक इम्यूनोलॉजिकल बैरियर होता है, उस बैरियर को हमें तोड़ना है। उस बैरियर को तोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए? 2 तरह के जीन्स का हम खास करके रखते हैं ख्याल। सबसे पहले तो ब्लड ग्रुप होता है कि ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए, और डोनर में भी और रेसिपिएंट में भी। और इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत आती नहीं, क्योंकि ब्लड ग्रुप जो है आपको पता सिर्फ 2 जीन्स हैं, ए और बी। किसी में ए हो गया, किसी में बी हो गया, किसी में दोनों हो गए तो ए बी है, किसी में कोई भी नहीं आया तो 0, उसको हम ओ कहते हैं। तो यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो ओ होता है, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो है वो ए बी होता है। अब जो ही हम पैनल के थ्रू बात करेंगे तो पता चलेगा कि इस बैरियर को भी तोड़ने के लिए काफी हमने जुगाड़ निकाल लिया है, और कई बार हम इनकम्पेटिबल ABO इनकम्पेटिबल ट्रांसप्लांट भी किए हैं। तो दूसरा एक सिस्टम है वो ज्यादा बड़ा होता है, वो ज्यादा डिफिकल्ट है, और खास करके वो इम्यून सिस्टम के ज्यादा काम आता है। ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं आपको पता है ये बॉडी के रेड ब्लड सेल्स में,
जो जो रक्त में रक्त में जो लाल रंग की कोशिकाएं हैं इनके ऊपर होता है। तो दूसरा एक सेट ऑफ जीन्स है जो कि व्हाइट पे होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स में एक तरह का जो सेल है वो होता है लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट के बारे में कोविड के टाइम में तो सभी जनता ने बड़ी अच्छी तरह से उसके उसके बारे में पढ़ा कि बी लिम्फोसाइट होता है, कि टी लिम्फोसाइट होता है, कोई एंटीबॉडी बनाता है और कोई इस तरह से साइटोटॉक्सिक सेल होता है। अब हमें ये इम्यूनोलॉजिकल बैरियर को कैसे तोड़ना है, इसको तोड़ने के लिए एक और सेट ऑफ जीन्स होता है जो कि व्हाइट ब्लड सेल्स पे है, लिम्फोसाइट्स के सरफेस पे, उसको कहते हैं हम HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये बहुत बड़ा है, ये बहुत पॉलीमॉर्फिक है, पॉलीमॉर्फिक इतना कि थ्योरेटिकली चांसेस के मेरे HLA जीन्स आपके साथ सिमिलर रहेंगे वो 1 in 10 crore चांस है, इतना बड़ा पॉलीमॉर्फिक सिस्टम है। तो जब ये शुरुआत में था तो हमारे कई ट्रांसप्लांट टीम के, ये एक जो हम बात कर रहे हैं ये ट्रांसप्लांट टीम है हमारी, जैसे मैं लैब का काम देखता हूँ, नेफ्रोलॉजिस्ट यहाँ पर हैं बड़े बड़े नामी, और एक सर्जरी की टीम और फिर औरों की टीम भी होती है। तो हमारी जो ट्रांसप्लांट टीम कहती थी कि भाई पता नहीं ये जो HLA सिस्टम बनाया है ये क्या ट्रांसप्लांट सर्जन के लिए हॉस्टिलिटी है कि ट्रांसप्लांट सर्जन बाहर से कोई डोनर ढूंढ नहीं पाता। इसलिए ये सिस्टम क्योंकि बड़ा पॉलीमॉर्फिक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक किडनी फ्रॉम एनीवन अनलेस वी मैच। तो ये जो मैचिंग का इशू है इसको हम कहते हैं HLA मैचिंग। एक तो हमने ब्लड ग्रुप मैच किया, एक हमको HLA जीन्स को मैच करना होता है, क्योंकि HLA जीन्स ही हैं जो कि इम्यून सिस्टम को शांत कर पाते हैं अगर वो मैच करे तो। अगर वो मैच नहीं किया तो इम्यून सिस्टम जो है बिकम्स अग्रेसिव, तो वो बाहर की किडनी जो हमने डाली उसके खिलाफ वो जा सकता है, उसके खिलाफ जाने को रोकने के लिए ही वी ट्राई टू मैच। अब इसमें दो तरह के डोनर्स हैं जो कि हम लेते हैं। आमतौर पे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा ट्रांसप्लांट हमने किए हैं लिविंग रिलेटेड डोनर से, फैमिली से डोनर आता है। और ये हमारा 1994 में एक एक्ट बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट, और वो जो ही हम आगे बढ़ेंगे और मेरे कोलीग्स भी करेंगे इसके बारे में बात। और वो एक्ट में बाद में कई चेंजेस आई 2011 में 2013 में, तो चेंजेस आई। तो ये एक्ट ने डिफाइन किया कि जो फैमिली डोनर है उसको हम कहेंगे लिविंग रिलेटेड डोनर, LRD। इसमें कौन कौन लोग हैं, इसमें लोग होते हैं पेरेंट्स, माँ बाप, वो दे सकते हैं अपने चाइल्ड को, भाई बहन दे सकते हैं, सन या डॉटर दे सकते हैं, हालांकि उस तरह के ट्रांसप्लांट बड़े कम होते हैं क्योंकि सन एंड डॉटर को आमतौर पर लोग नहीं चाहते। ग्रैंड पेरेंट्स को भी बाद में इंक्लूड किया गया, और जब एक्ट बना तो उसमें स्पाउजल ट्रांसप्लांट, और इसके बारे में भी बात होगी क्योंकि इंडिया में लिविंग रिलेटेड डोनर में स्पाउजल ट्रांसप्लांट बहुत हुए, और आई एम श्योर माय कलीग्स विल टॉक टू यू कि स्पाउजल ट्रांसप्लांट में भी एक तरफा वो रहा, वाइफ ने किडनी दिया हस्बैंड को, हस्बैंड की साइड से कम रहे, तो जो डेटा दिखाता है तो वाइफ ने दिया। तो ये तो हमारे डोनर्स हैं, और इसको हम लैब में जब जब जैसे किसी डॉक्टर भल्ला हैं या डॉक्टर आरूप दत्ता हैं, इन्होंने डायग्नोस किया कि ये मरीज है, इसकी दोनों किडनीज फेल हैं और ये डायलिसिस पे आ गए। नो, डायलिसिस क्या है, डायलिसिस तो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, उस दौरान में हमको डोनर ढूंढना है। ये फिर हमारे पर जिम्मेवारी आ जाती है कि साहब ये फलां फलां डोनर्स हमारे पास हैं, इनमें से आप देखिए कि कौन सा इनके लिए सूटेबल रहेगा। तो ये एक लैब का काम है, और हम जो ही आगे और पढ़ेंगे तो इसके बारे में और बात करेंगे कि क्या क्या टेस्ट जो है लैब करती है डोनर को ढूंढने के लिए। तो ये तो हो गया एक तरह का डोनर, लिविंग रिलेटेड डोनर फ्रॉम द फैमिली एज अप्रूव्ड बाय द एक्ट, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट, इसके बियॉन्ड हम नहीं जाते। दूसरा तरह का डोनर है, उसको कहते हैं डिजीज्ड डोनर, जिसको हम पहले कैडेवरिक डोनर भी कहते थे, कोई समबडी मेट विद ए अनफॉर्चुनेट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और उसका ब्रेन जो है डेड हो गया। तो 1994 के एक्ट में
यही सबसे पहले किया गया था कि ब्रेन स्टेम डेथ को डेथ की तरह माना गया था, कि वो डोनर जो है उसका हार्ट तो अभी ठीक है, वो बीट कर रहा है, वो ब्लड सप्लाई दे रहा है सारे सारे ऑर्गन्स को बॉडी में, लेकिन ब्रेन से डेड है। तो जो ब्रेन डेड है उसको फिर सर्टिफाई किया 2-3 सेट ऑफ डॉक्टर्स ने, जो कि ट्रांसप्लांट के साथ उनका कोई ताल्लुकात नहीं है। उन्होंने कहा साहब ये आदमी तो ब्रेन डेड है अनफॉर्चुनेटली। तो वो फिर फैमिली के पास जाते हैं, उनको उनको समझाते हैं कि अगर आप अपने अनफॉर्चुनेट तो ये इंसिडेंट है, लेकिन अगर आप इनके ऑर्गन देना चाहेंगे तो ये बिकम्स आवर मल्टी ऑर्गन डोनर, क्योंकि उससे हम 2 किडनी, लिवर, हार्ट और तरह तरह के ऑर्गन लेके ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तीसरा तरह का डोनर भी है, उसके भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका भी एक सिस्टम बनाया कि किसी के पास फैमिली में डोनर नहीं है, कैडेवर डोनर मिल नहीं रहा, तो उसको उसको कहते हैं अनरिलेटेड डोनर, कि कोई फैमिली के पास आता है वो कहता साहब मैं इस फैमिली को जानता हूँ, मैं अपने प्रेम से, अपने प्यार मोहब्बत के कारण और अपने सेंटिमेंट्स मेरे इनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके कारण मैं इनको किडनी देना चाहता हूँ। तो वो फिर एक लॉ में, कानून में ये बना दिया कि हॉस्पिटल जो है जो ट्रांसप्लांट करेगा उनको अपना एक बनाना है हॉस्पिटल ऑथराइजेशन बोर्ड, और उसमें मेंबर्स बड़े बाहर बाहर के होते हैं, उसमें कोई ट्रांसप्लांट करने वाली टीम का मेंबर कोई नहीं रहता, वो बाहर के लोग रहते हैं, सोशल साइंटिस्ट हो गए, लीगल हो गए और तरह के लोग हो गए। वो फिर उस डोनर को बुला के उनके साथ करते हैं बात, वाकई असेसमेंट करते हैं कि वाकई अपने दिल से देना चाहता है कि या कोई फाइनेंशियल एक्सचेंज तो नहीं है इसमें, तो यही एक चीज करके, तो उस तरह के ट्रांसप्लांट भी किए जाते हैं। तो इस तरह से हम डोनर को ढूंढ पाते हैं, क्योंकि डायलिसिस जो है वो बहुत देर तक नहीं रख सकते, रखना नहीं चाहिए, जितना जल्दी हम ट्रांसप्लांट कर पाए और खास करके यंग आदमी हो, जितना जल्दी ट्रांसप्लांट कर पाए उतना उसकी लाइफ के लिए ठीक रहता है। जी, तो डॉक्टर मेहरा जी ने बहुत अच्छी तरह से जो एक्सप्लेन हमको किया है डोनर के बारे में, कि जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन में डोनर का क्या रोल होता है, उसमें हम लोग फैमिली से अगर डोनर लेना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों के आधार पर डोनर को सेलेक्ट किया जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मेहरा जी। एंड अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे डॉक्टर गुलाटी जी से, पूछना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब अभी हम लोग जो जैसे डोनर की बात कर रहे थे, तो जब बात किडनी ट्रांसप्लांटेशन की करते हैं तो आमतौर पर जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि सेम ब्लड ग्रुप की वजह से पेशेंट के फैमिली मेम्बर को ही सेलेक्ट किया जाता है, पर अगर किसी केस में या ऐसा हो कि ट्रांसप्लांटेशन के लिए फैमिली मेम्बर दूर दूर तक कोई नहीं मिल रहा हो, तो उसके लिए डोनर को किस तरह से फिर अरेंज किया जाएगा, क्योंकि ये तो एक तरह का फिर रिस्क हो जाएगा कि अब क्या किया जाए कि फैमिली में दूर तक कहीं कोई डोनर नहीं है, तो फिर उसके अरेंजमेंट के लिए किस तरह के प्रोसेस होते हैं और क्या करना चाहिए फिर। जी डॉक्टर गुलाटी, आपका माइक म्यूट है। धन्यवाद ऋषि जी। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आजकल बन गई है, क्योंकि वी आर इन एरा ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म, यानी परिवार छोटे होते हैं और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो परिवारों में चलती हैं, जैसे शुगर की बीमारी आपने देखा एक में है तो अक्सर ब्रदर में भी शुगर है तो ही बिकम्स मेडिकली अनफिट, तो ऐसे में डोनर ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। तो इसमें अब वी कैन गो बियॉन्ड दी HLA, यानी जैसे प्रोफेसर मेहरा ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि HLA मैचिंग एक पिलर रहा है किडनी ट्रांसप्लांट का, तो शुरू अब बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट्स ऑफ मेडिसिन हमें HLA मैच की ज़रूरत नहीं है, यानी अगर जेनेटिक मैच नहीं है, जैसे कि बाय हस्बैंड टू वाइफ, वाइफ टू हस्बैंड, उसमें कोई जेनेटिक मैच नहीं होता, तो वी ऑफर दैट कि भी आपका जेनेटिक मैच नहीं है बट सिंस यू आर फ्रॉम द सेम फैमिली ब्रॉडली स्पीकिंग यू कैन डोनेट किडनी। इसी तरह वाइफ की साइड से भी अगर कोई विलिंग है तो वो ले सकता है। तीसरे नंबर पे आ गया ब्लड ग्रुप। बहुत सालों तक ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर रहता था, बट आजकल हमारे पास टेक्निक्स आ गई हैं कि बहुत इफेक्टिवली हम ब्लड ग्रुप से जो एंटीबॉडीज बनी होती हैं, यानी अगर आप ओ ब्लड ग्रुप के मरीज हैं और आपको ए डोनर ही अवेलेबल है, तो ए ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट जितनी एंटीबॉडीज हैं वो हम निकाल लेते हैं, एक प्लाज्मा फेरेसिस या स्पेशल कॉलम्स होते हैं वो निकाल के हम ट्रांसप्लांट करते हैं। इसकी
इसमें कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ जाती है, बट डेफिनेटली इट इज बेटर, द सर्वाइवल्स टिल डेट आर फार बेटर देन ऑन डायलिसिस। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि किडनी फेलियर के केवल दो ही ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। अगर आप YouTube पे जाएंगे तो आपको 20-30 साल के बहुत पढ़े लिखे नौजवान मिलेंगे जो एक्सपर्ट्स हैं और जो आपको तीसरी, चौथी, पांचवी ट्रीटमेंट बता रहे हैं। बट आई थिंक पीपल शुड नॉट बी मिसगाइडेड। ये जितने हमारे पैनलिस्ट हैं, वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग नेफ्रोलॉजी फॉर 30 इयर्स, तो पहली बात तो ये भ्रम हमें दूर करना है कि अगर आपको स्टेज 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज है तो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के अलावा कोई तीसरा ट्रीटमेंट साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है दुनिया के किसी कोने में भी। अगर कोई ये कहता है तो वी वेलकम दैट रिसर्च, बट अगेन दैट रिसर्च शुड बी वैलिडेटेड एंड पब्लिश्ड इन साइंटिफिक जर्नल्स सो दैट द लार्जर ह्यूमैनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड भी गेन करे। आप क्यों अपने 100-200 लोग हिंदुस्तान के या फिर अपने जिले तक क्यों सीमित रहना चाहते हैं, आप पूरी दुनिया में अपना वो करिए ताकि ज्यादा से। सो एज ऑफ टूडे डायलिसिस, एंड इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि बिटवीन द टू किडनी ट्रांसप्लांट इज फार बेटर देन डायलिसिस, सर्वाइवल्स इन किडनी ट्रांसप्लांट। यानी 5 साल बाद अगर हम देखें तो ट्रांसप्लांट में वी हैव गॉट सर्वाइवल्स इन द रेंज ऑफ, से पेशेंट सर्वाइवल बता रहा हूँ मैं, और किडनी सर्वाइवल 70-80% पेशेंट। हाँ, कुछ 5-7 पेशेंट जरूर नहीं बचते हैं, बट इफ यू कंपेयर विद डायलिसिस एट 5 years द सर्वाइवल्स आर ओनली डाउन टू 20%। यानी 100 पेशेंट्स को आपने शुरू किया तो केवल 20 जिंदा रहेंगे। तो ट्रांसप्लांट शुड बी द गोल फॉर ईच एंड एवरी पेशेंट ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज। बट यस, जैसे प्रोफेसर मेहरा ने बताया कि वी आर गवर्न्ड बाय द लॉ, द ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट, और हमें उसके एक एक पहलू को पूरा करना है। एक और हमारे पास मेथड अवेलेबल है विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट, एंड वी हैव बीन डूइंग दैट, ऑल ऑफ अस इन द पैनल हैव बीन डूइंग दैट, दैट इज द लॉ इज वैलिडेटेड इट, इट्स कॉल्ड किडनी एक्सचेंज यानी स्वॉप। देखिए, आपके परिवार में अगर बी ब्लड ग्रुप का पेशेंट है और आपके पास डोनर ए ब्लड ग्रुप है, और एक दूसरा परिवार है जो बिल्कुल आपसे कोई रिलेशन नहीं है, उसमें उल्टा है, पेशेंट ए है और डोनर बी है, तो हम कमेटी की अप्रूवल लेके ये किडनी एक्सचेंज कर सकते हैं कि उनका जो डोनर है वो आपके मरीज को दे दे और आपका जो डोनर है वो दूसरे परिवार को दे दे। बट ऑल किडनी ट्रांसप्लांटेशंस हैव टू बी अप्रूव्ड बाय एन ऑथराइजेशन कमेटी एज पर द ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट। ये कोई गॉल ब्लैडर की सर्जरी नहीं है कि आप रात में आए, अगले दिन आपने कहा कि भैया मेरा ट्रांसप्लांट कर दीजिए। इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस एंड देर आर सीवियर पेनल्टीज इन द लॉ, जो लोग जानते नहीं हैं, इसलिए उसकी वजह से कई बार वो थोड़ा परेशान भी होते हैं। सो देर आर सेवरल वेज टू वर्क, एंड द लास्ट एज प्रोफेसर मेहरा सेड की इज द इमोशनली रिलेटेड डोनर, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू प्रूव, और वो प्रैक्टिकली स्पीकिंग कमेटी से हमें मिलता नहीं है जो उसका है। कैडेवरिक डोनर आई थिंक इन इंडिया इज द वन दैट नीड्स टू बी वर्कड अपॉन, क्योंकि हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, वो ये है कि हमारे पास, हमारी सड़कों पे वर्ल्ड का हाईएस्ट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट रेट है। हम लोग सब, इट इज नॉट अ सरप्राइज टू एनीवन ऑफ अस बिकॉज हमारी ड्राइविंग, बट वी हैव द लोएस्ट ऑर्गन डोनेशन रेट। इनमें क्या रिलेशन है कि जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में कोई इंसान अगर ब्रेन डेड हो जाए, यानी उसका ब्रेन काम करना बंद होता है बट हार्ट बीट कर रहा होता है, तो उसकी ऑर्गन हार्वेस्ट किए जा सकते हैं। आफ्टर डेथ वी कैन नॉट हार्वेस्ट दिस ऑर्गन्स, so those organs can be utilized, but we have the lowest organ donation rate anywhere in the world. और आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे कि हमें करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने organs pledge करें। और ये भी है कि north, unfortunately we don't have anybody from the south, but हमारे southern part of country में जो organ donation rate है, it is far higher than that we have achieved in the north. So, ऐसा नहीं कि ये हम नहीं कर सकते, ये हमारी ही संस्कृति, हमारे ही लोग कर रहे हैं, लेकिन जो नॉर्दर्न पार्ट के लोग हैं, ईस्टर्न पार्ट में डॉक्टर अरूप दत्ता बताएंगे व्हाट इज दी, बट आई कैन, डॉक्टर प्रोफेसर भल्ला हैं जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के, ही हैज बीन हाईलाइटिंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, द नीड फॉर कैडेवरिक ऑर्गन डोनेशन। सो दीज आर दी वेज कि हम हर एक पेशेंट अगर चाहे तो जरूर उसको कोई ना कोई ऑर्गन मिल सकता है, बट अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है कि नहीं, ये
ट्रांसप्लांटेशन ही मेरा गोल रहे, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली ट्रीटमेंट दैट प्रोवाइड्स कंप्लीट रिहैबिलिटेशन। अगर आप एक बार डायलिसिस पे आते हैं तो आपका तो जो लाइफ है इट सर्कल्स अराउंड ट्रिप बिटवीन द हॉस्पिटल, यानी अस्पताल से डायलिसिस यूनिट तक, डायलिसिस यूनिट से अस्पताल तक, बीच में आपके हो सकता है महीने में एक दो बार 5-7 दिन का एडमिशन भी रहता है, कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, कार्डियक कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन रहती हैं। जबकि जब एक बार आपका ट्रांसप्लांट हो जाए तो इट प्रोवाइड्स यू कंप्लीट रिहैबिलिटेशन। हमारे पास ऐसे कई पेशेंट्स हैं जो लोग जो हमने बचपन में उनका ट्रांसप्लांट किया। आई स्टिल रिमेंबर अ गर्ल वी ट्रांसप्लांटेड व्हेन शी वाज इन क्लास 8, द फैमिली वाज वेरी इन अ बिग डायलेमा कि वो ट्रांसप्लांट करवाएं भी ना करवाएं, एंड टुडे शी इज कंप्लीटेड हर इंजीनियरिंग फ्रॉम एन IIT and she is also a faculty in the IIT and happily married. So this is what transplantation can achieve and this is what we need to ye hame jagrukta phailani hai. Ha, ek do patients se aap misguide mat hoiye, nothing is 100% in science. There are failures, as I said 95% success rate hai. To agar aap 4-5 mareez ko failure ko dekh rahe hain aur keh rahe hain ki ye successful nahi hai to wo galat ho. सो जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे इस वेबिनार के साथ जुड़ रहे हैं विच इज स्पॉन्सर्ड बाय SRL लैब्स, उनके लिए जो डॉक्टर गुलाटी जी ने एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश करी है ऑर्गन डोनेशन की, वो बहुत अच्छा मैसेज है। जो हमारे व्यूअर्स जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनके लिए मैसेज उनको ही कन्वे होना चाहिए कि जो ऑर्गन डोनेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े ताकि जितने लोग उन ऑर्गन्स के लिए नीडफुल हैं उनको ज़िंदगी मिल सके। और डॉक्टर गुलाटी जी ने जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो चीज़ बताई है कि किडनी से रिलेटेड अगर किसी व्यूअर को प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी इंसान को प्रॉब्लम आ रही है, तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन से ज़्यादा अच्छा हल उनको और कोई नहीं मिल सकता। वो सोशल मीडिया पे अगर उनको और सारी चीजें मिल रही हैं कि इस तरह से वो अपनी किडनी को सही कर सकते हैं या उस तरह से कर सकते हैं, तो और कोई रास्ता अपनाए बिना अगर वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए आगे बढ़ते हैं तो उससे अच्छा रास्ता, उससे अच्छा वे उनके लिए और कोई नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच डॉक्टर गुलाटी जी, इतनी नीडफुल है, इतनी इंपॉर्टेंट जानकारियां हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। और अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं डॉक्टर भल्ला जी से। डॉक्टर साहब, किडनी ट्रांसप्लांटेशन की हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद रिलेटेड पेशेंट को किन किन चीजों का, किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, यानी कि वो किस तरह के उसको प्रिकॉशंस लेने की जरूरत पड़ती है, इस बारे में जानना हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत जरूरी है, प्लीज हमें बताएं। थैंक यू रुचि जी, मैं सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा दैनिक जागरण का कि उन्होंने आज ये बड़ा इम्पोर्टेंट वेबिनार अरेंज किया है आम जनरल पब्लिक के लिए। जहाँ तक आपने पूछा है कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है ट्रांसप्लांट के बाद, तो जैसा कि आप डॉक्टर मेहरा ने भी बताया है, डॉक्टर भाटी ने भी हाईलाइट किया है कि ये जो ट्रांसप्लांट है ये एक बाहर का ऑर्गन है, चाहे ये आपका फैमिली का ऑर्गन हो, चाहे ये अनरिलेटेड हो या कैडेवर हो, ये बाहर का ऑर्गन रहेगा। आपकी बॉडी में अगर एक कांटा भी चुभ जाता है तो उससे पस पड़ जाती है और पस पड़ने के बाद बॉडी उस कांटे को निकाल देती है। अगर आप ना भी कोई सर्जरी करो, कांटा ना भी निकालो, फिर भी बॉडी उसको निकाल देगी, क्योंकि ये हमारा बॉडी का रिस्पॉन्स है। वहाँ पे पस पड़ेगी, पस पड़ने के साथ वो धीरे धीरे वो कांटा निकल जाएगा, तभी ठीक होएगा। तो ये हाँ, आप एक किडनी डाल रहे हो किसी दूसरे की, और किडनी में 20% ऑफ द ब्लड फ्लो जो है वो किडनी में जाता है हमारी बॉडी में, तो ये हाईली वैस्कुलर ऑर्गन है। तो जब ये किडनी इतना इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव ऑर्गन है, तो जब ये किसी दूसरे का किडनी डालते हैं तो बॉडी उसको रिजेक्ट करेगी ही करेगी। ये हमारी बॉडी भगवान ने ऐसे बनाई हुई है कि जिसमें सिर्फ जुड़वा जो है ट्विन है, तो ट्विन की किडनी जो है जो रिजेक्ट नहीं होगी। तो ट्विन की किडनी में अगर आप कोई भी उसको दवाइयाँ नहीं देते हो रिजेक्शन को बचाने के लिए, फिर भी वो किडनी काम कर सकती है। उसके अलावा चाहे वो किडनी मदर की है, फादर की है, भाई की, बहन की, बच्चे की, किसी की भी किडनी है, वो बॉडी उसको रिजेक्ट करेगी। सो दैट मींस कि आपने अब उस किडनी को चलाने के लिए सारी उम्र उसको दवाइयां देनी है, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोसप्रेशन। तो वो इम्यूनोसप्रेशन जो है, तो वो उसमें हमारे पास कई तरह की अब बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड दवाइयाँ बन चुकी हैं और बिल्कुल उसकी गाइडलाइंस बनी हुई हैं, प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। तो सेट गाइडलाइंस पे प्रैक्टिकली सारे सेंटर्स में वो एक ही स्टैंडर्ड इम्यूनोसप्रेशन यूज होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें इम्यूनोसप्रेशन है स्टीरॉयड्स, उसके अलावा हैं फिर
कई तरह की दवाइयां हैं, जैसे साइक्लोस्पोरिन है, टेट्रोलीमस है, एमएमएफ है, एजोथेपरिन है। तो ये वेरियस कॉम्बिनेशंस में हम यूजली 3 दवाइयां देते हैं और ये दवाइयां सारी उम्र चलती हैं। पहले 3 महीने डोज ज़्यादा होती है, उसके बाद धीरे धीरे इसकी डोज कम होती जाती है। 8-6 महीने या साल के बाद फिर काफ़ी आप लो डोज पे या मेंटेनेंस डोज पे आ जाते हो। सो 8 पहली प्रिकॉशन तो ये है कि आपने 8 दिन भी अपनी दवाई मिस नहीं करनी है। ये आप सबको मैं जरूरी मैसेज देना चाहूँगा कि इतने इसमें कंप्लेसेंट होने का कोई स्कोप नहीं है। कई बार आप 8 दिन भी 2 दिन भी दवाई मिस करके किडनी इरिवर्सिबल रिजेक्शन हो सकती है। सो कभी भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि मैं दवाई छोड़ के देखूँ, अब तो मेरा किडनी 1 साल से चल रहा है, 2 साल से चल रहा है, अब तो कोई जरूरत नहीं है मुझे दवाई देने की, नंबर 1। नंबर 2, शुरू के इनिशियल 3 महीने में रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर 3 महीने या 6 महीने किडनी स्टेबल रहे तो उसके बाद रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए हम पेशेंट को इनिशियल 3 मंथ्स में रेगुलर फॉलोअप पे बुलाते हैं, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स रिपोर्ट्स, 1 a week या 2 a week। एक बार जब 3 महीने या 6 महीने हो जाते हैं फिर वो 15 दिन में या महीने बाद भी फॉलोअप के लिए आता है। तो आपने अपना फॉलोअप मिस नहीं करना है कभी भी, चाहे आप दिल्ली में हो या दिल्ली से बाहर हो, जहाँ भी आपका नेफ्रोलॉजिस्ट है उस हिसाब से आपने जाना है। हाँ, एक फायदा हुआ है कोरोना के बाद कि हमारी गवर्नमेंट ने टेली कंसल्टेशन को लीगलाइज कर दिया है। तो ये टेली कंसल्टेशन एक्चुअली हमारे डॉक्टर संजीव गुराटी ने, उनसे आप जरूर पूछना, ही इज द एक्सपर्ट ऑन दिस, ही हैज गिवन वेरियस लेक्चर्स ऑन वेबिनार्स ऑन टेली मेडिसिन। तो टेली मेडिसिन के थ्रू ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट वहां से अच्छी लेबोरेटरी से टेस्ट करा के, उसको जरूरत नहीं है हमारे पास आने की। तो इवन टेली मेडिसिन, टेली कंसल्टेशन से हम ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को बहुत अच्छी तरह से एडवाइस कर सकते हैं, और हमारे लिए इस चीज़ का बहुत फायदा हुआ है कोरोना में। अब इसके बाद मेन जो प्रिकॉशन रहती है कि इन पेशेंट्स में ऐसा नहीं है कि उसको आपने शीशे के रूम में बनाना है, जैसे कि पेशेंट रहते हैं ट्रांसप्लांट के बाद हमने उसको शीशे का कमरा बना दिया है, उसमें कोई जाएगा नहीं, कोई उससे मिलेगा नहीं। ये इस तरह की इतनी एग्जॉटिक एंड एग्जैजरेटेड प्रिकॉशंस की जरूरत नहीं है। जहाँ कमरे में घर में कोई बीमार आदमी नहीं है वो पेशेंट उसके साथ ही रह सकता है। मेन प्रिकॉशंस जो होनी है वो हाइजीन की है, जनरल हाइजीन, जो हम कोरोना में कहते हैं समझ लो वो सारी हाइजीन पेशेंट ने फॉलो करनी है। सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग, साफ सुथरा खाना, बाहर कहीं खाना है तो आप गलियों में जाके गोलगप्पे मत खाइए, चाट मत खाइए, ढाबे पे खाना है तो उबली हुई दाल और रोटी खा लीजिए। तो ये चीज़ें हैं जिससे कि आप इन्फेक्शन को बचा सकते हैं। तो आपने अपने इन्फेक्शन से बचाया कि बिकॉज आपकी इम्यूनिटी डाउन है तो आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस आम जनता से, आम जनरल पॉपुलेशन से ज़्यादा हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रिकॉशन है। पानी पीना है तो उबाल के पियो। मैं हमेशा कहता हूँ पेशेंट्स को कि बिसलेरी बॉटल की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर में पानी उबालो, 15 मिनट उबाल के चाहे उसको फ्रिज में ठंडा कर लो, उबला हुआ पानी पियो। अननेसेसरी पानी के लिए अपना पैसे वेस्ट मत करिए, बॉयल्ड वाटर इज़ द बेस्ट वाटर। साफ सुथरा खाइए, कुछ भी खाना है। थोड़ी सी भी लक्षण, जैसे बीमारी का लक्षण हो, फीवर हो, लूज मोशंस हो, या खांसी हो, बुखार हो, या किडनी जो होता है ड्राफ्ट जिसको हम बोलते हैं, ड्राफ्ट के ऊपर दर्द हो, इमीडिएटली आपने हमें अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। बिकॉज अगर आप विद इन 24 आवर रिपोर्ट कर लेते हो तो आप सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में जाने से बच सकते हो। तो बहुत ही जरूरी है कि ये जो लक्षण होते हैं, हालांकि हम पेशेंट्स को लिख के देते हैं आम जो कॉमन बीमारियों के लिए, लूज मोशंस हो रहे तो ये दवाई खानी, खांसी हो जाए तो ये दवाई खानी, बुखार हो जाए तो ये दवाई खानी, पर उसके अलावा अगर नहीं ठीक हो रहे हैं तो जितनी जल्दी आप अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करोगे उतने ही चांसेस हैं कि कॉम्प्लिकेशंस में आप नहीं जाओगे। और दूसरा एक मैं और बताना चाहूँगा, जो अभी तक हमारे डॉक्टर गुराटी भी एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के, एक पेरिटोनियल डायलिसिस भी होता है कि डायलिसिस में हम ये नहीं कि सिर्फ हीमोडायलिसिस ही होता है, एक पेरिटोनियल डायलिसिस भी होता है जो कि आप घर पे ही कर सकते हैं। कि जो पेशेंट्स हमारे, कितने पेशेंट हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते तो वो पीडी पे रहते हैं, उसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस या पीडी बोलते हैं, कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं। और ये भी एक हमारे पैनल में काफ़ी डॉक्टर हैं जो इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं।
सो ये भी एक मैं जरूर आज आज आपके वेबिनार से एक बताना चाहूँगा कि पेरिटोनियल डायलिसिस भी एक और मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है अपार्ट फ्रॉम हीमोडायलिसिस। हमारे टीवी में रोज एडवर्टाइजमेंट आती हैं कि डायलिसिस से छुटकारा पाएं, डायलिसिस बंद करिए। डायलिसिस को जो डॉक्टर गुहाटी ने बहुत बढ़िया पॉइंट रेज किया है, क्योंकि आपके माध्यम से ये मैसेज हम दे सकते हैं कि प्लीज़ ये चीज़ों को मत फॉलो करो, अपने आप को मिसगाइड मत करवाइए और इनसे बचिए कि 900 रुपए में आप डायलिसिस से छुटकारा पाइए, घर पे किट मंगवाइए। मुझे नहीं समझ पता कि वो क्या दवाइयां हैं क्या देते हैं, पर ये इस तरह की चीज़ें हमारे कंट्री में हो रही हैं और कोई भी उसको ना पुलिस उसको रोक पाती है ना कोई गवर्नमेंट अथॉरिटीज उसको कंट्रोल कर पाती हैं। और जितनी भी मिसगाइडेड चीज़ें हैं ट्रांसप्लांट के बारे में वो सारी हमें भुगतनी पड़ती हैं, जितने भी हमारे पैनल में डॉक्टर हैं हम सब ये फेस कर रहे हैं, पुलिस एक्शंस, मीडिया एक्शंस कि भाई वहाँ ट्रांसप्लांट अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट ये हो गया, किडनी बेच दी, किडनी खरीद ली, ये ऐसे मजाक नहीं है कि किसी की किडनी लेटे निकाल दी और लड़ा दी, इसके लिए पूरा बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है, टेस्ट होते हैं, उसके बाद परमिशंस होती हैं, ऐसे नहीं है कि किडनी अनोइंगली निकाल ली बिना बताए निकाल ली। सो ये इस तरह की सेंसेशनल न्यूज से प्लीज आप मीडिया के थ्रू इस चीज को बंद करिए, इस तरह का सेंसेशनलिज्म करके इस इतनी अच्छी बढ़िया कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट जो है एडवांस ट्रीटमेंट है इसको बदनाम मत करिए। थैंक यू जी। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन को लेकर जो आज हम लोग इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हमारे डॉक्टर्स जितनी चीज़ें बता रहे हैं, डॉक्टर गुलाटी ने डॉक्टर भल्ला ने जो चीज़ जो मैसेज कन्वे करने की कोशिश करी वो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन को लेकर जितने भी र्यूमर्स आप टीवी या सोशल मीडिया पे देखते हैं, अगर आपकी किडनी में किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो इन सारे र्यूमर्स से आप अलग रहिए, प्लीज़ डॉक्टर्स के पास जाइए, उनसे सजेशन लीजिए, जैसा वो आपको गाइड करें आप उस तरह से आगे बढ़िए, इस तरह के र्यूमर्स पर विश्वास मत करिए, उससे आपको और खतरा बढ़ सकता है। ये हमारे व्यूअर्स के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर भल्ला एंड डॉक्टर साहब ने जो चीजें बताई कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद किस तरह से अवेयर रहना है रिलेटेड पेशेंट को, वो भी हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं डॉक्टर एनके मेहरा जी से भी जानना चाहूंगी, डॉक्टर साहब इस बारे में प्लीज हमें आप भी कुछ बताएं कि जो प्रिकॉशंस की हम लोग बात कर रहे हैं तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगी इसके बारे में कुछ। अल्लाह ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया आपको, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इन मरीजों में हम दवाइयां देते हैं और दवाइयां देने से उनका इम्यून सिस्टम जो है वो लो चले जाता है, इसलिए वो जरूरत है कि घर में अपने आप की सफाई रखे ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। दूसरी एक और बात है कि जब भी वो डॉक्टर के पास आए और वो अगर डॉक्टर को लगता है कि इनकी तबीयत तो ठीक है लेकिन ग्राफ्ट फंक्शनिंग में कोई दिक्कत आ रही है, और जब खून का उन्होंने जांच किया तो उससे उनको पता चला, तो हम लैब में भी करते हैं टेस्ट एक तरह का जिसको कहते हैं एंटी डोनर एंटीबॉडीज, क्योंकि अब तो सभी लोगों को पता चल ही गया कोविड के टाइम में कि एंटीबॉडीज का क्या रोल होता है। यहाँ पर एंटीबॉडीज कैन बी फॉर्म्ड अगेंस्ट द डोनर, तो इसको हम कहते हैं एंटी डोनर एंटीबॉडीज। तो वो नेफ्रोलॉजिस्ट जब सोचते हैं कि हो सकता है कि ग्राफ्ट में कुछ दिक्कत ना आ रही हो, वो खून की जांच से उनको मालूम पड़ेगा, तो उस वक्त वो लैब के पास भी आते हैं कि आप जरा टेस्ट करें तो देख लीजिए कहीं इनमें एंटी डोनर एंटीबॉडी तो नहीं है, तो वो तरह का भी टेस्ट करना जरूरी है। और तीसरी बात जो डॉक्टर भल्ला ने बड़ी अच्छी तरह से बताई कि कोई भी ऑर्गन हम बाहर से डालते हैं तो इम्यून सिस्टम तो उसके ऊपर करेगा ही काम, और इम्यून सिस्टम में एक बहुत बड़ा एक रूल है सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ, ये जो मेरा अगर ऑर्गन मेरा अपना सेल्फ है तब तो कोई बात नहीं है, नॉन सेल्फ है चाहे वो माँ बाप से भी आया लेकिन आया तो बाहर से, तो उसको मेरे को बड़ा केयरफुली करना है। और हमने ये देखा है जो मरीज अपने आप को इन चीज़ों की तरफ समझते हैं या उनकी फैमिली के लोग उनको सपोर्टिव देते हैं उनकी किडनी ज्यादा देर तक फंक्शन करती है। जी, तो डॉक्टर भल्ला एंड डॉक्टर मेहरा जी ने जितनी भी जानकारी दी वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे व्यूअर्स के लिए कि अगर हम किडनी ट्रांसप्लांट करवाते भी हैं तो किसी दूसरे की किडनी जब हमारी बॉडी में
आती है, तो वो बहुत लंबे समय तक एक्सेप्ट करना हमारी बॉडी के लिए पॉसिबल नहीं है. उसको मेंटेन रखने के लिए हमें मेडिसिन को प्रॉपरली लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में जो भी हमारे व्यूवर्स सोच रहे हैं, इन सारी चीज़ों को बहुत केयरफुली सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी जानकारियाँ उनके लिए. थैंक यू सो मच डॉक्टर मेहरा जैन, थैंक यू सो मच डॉक्टर भल्ला जी. चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर राघवेंद्र जी से पूछते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. डॉक्टर साहब, एक बार अगर किडनी ट्रांसप्लांट कोई पेशेंट करवाता है तो ट्रांसप्लांटेशन, ये बहुत ज़्यादा हमारे व्यूअर्स और हमारे कई व्यूअर्स ने इस तरह का सवाल भेजा है कि कितने समय तक वो किडनी प्रॉपर फंक्शन कर सकती है. उनमें ये टेंशन है कि अगर हम किडनी ट्रांसप्लांट करवा भी लेते हैं तो वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन कब तक उनका साथ देगी, उनको सही रख सकेगी, क्या इसका कोई सर्टेन टाइम पीरियड है? सबसे पहले थैंक यू रुचि जी, थैंक यू जागरण, थैंक यू SRL फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मुझे मौका दिया आप लर्नेड स्पीकर्स के साथ किडनी ट्रांसप्लांट के ऊपर बात करने के लिए. बहुत अच्छा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक आम आदमी के मन में आता है ट्रांसप्लांट की, जिसकी किडनी फेलियर, फैमिली के अंदर जिसकी किडनी की फेलियर होती है, किडनी की बीमारी होती है, उनको पता होता है मेरी किडनी की प्रॉब्लम आ चुकी है और ये किडनी का पक्का इलाज या परमानेंट सॉल्यूशन किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही है, आज नहीं तो कुछ टाइम के बाद मुझे ट्रांसप्लांट करवाना ही पड़ेगा. तो सबसे पहले उसके मन में आता है कि क्या मैं ट्रांसप्लांट कराऊंगा तो वो सक्सेसफुल रहेगा, क्या मेरा ट्रांसप्लांट कराने के बाद मेरी ज़िंदगी कैसी रहेगी, मुझे अपनी ज़िंदगी को कैसे चलाना पड़ेगा, किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और कितने टाइम चलेगी, उसकी क्या गारंटी है. ये कई तरह के सवाल मरीज के मन में आते हैं, उसकी फैमिली के मन में आते हैं. और क्योंकि किडनी देने के लिए उसकी फैमिली का मेम्बर ही हम सबसे पहले उसको अप्रोच करते हैं या उसे समझाते हैं कि आपके फैमिली डोनर या ब्लड रिलेटेड जो डोनर हैं वही सबसे अच्छे ट्रांसप्लांट के लिए उपयुक्त डोनर रहेंगे, क्योंकि उनकी जेनेटिक काउंसलिंग और जेनेटिक उनकी जो मैचिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इसलिए उनको किडनी चलाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. पहले किसी ज़माने में जब ये ट्रांसप्लांट शुरू हुए थे उस टाइम तो किडनी का ऐसा कुछ नहीं था. जीनो ट्रांसप्लांट से जब बात हम अगर हम माइथोलॉजी की बात करें कि गणेश जी का जो सर है हाथी का था, तो हम ट्रांसप्लांटेशन तो काफ़ी साल पुराना है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स और डिकेड्स हमने देखा है कि जैसे जैसे इसमें हम ज़्यादा समझते गए, ज़्यादा हमारी नॉलेज बढ़ती गई, इसमें इम्यूनोलॉजी का बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है. जैसे मेहरा साहब ने बताया कि जैसे जैसे हम इतने उसके HLA टाइपिंग और डिटेल्स में जाते गए तो हमें पता चलता गया कि हम किडनी ट्रांसप्लांट को कितना जो डिटेल्ड में जाएंगे उतना ही हमारी नॉलेज बढ़ेगी और उतना ही उसकी स्कोप और उसका सर्वाइवल बढ़ेगा. तो आज से हमने करीब हम अपने सेंटर में जैसे हमने 20-22 पहले साल पहले जो ट्रांसप्लांट किए थे वो ट्रांसप्लांट पेशेंट आज भी चल रहे हैं. कहने का मतलब ये है कि जो उस वक्त भी इतनी नॉलेज नहीं थी जो आज की डेट में नॉलेज है, पर ट्रांसप्लांट चलने का तरीका किसी की कोई गारंटी नहीं है कि किसका ट्रांसप्लांट पहले चलेगा, ज़्यादा चलेगा, किसका कम चलेगा. लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ट्रांसप्लांट की इम्यूनोलॉजी का इसमें बहुत अच्छा रोल है. इसमें इम्यूनोलॉजी के अलावा उसकी रेगुलरिटी ऑफ फॉलोअप एंड रेगुलरिटी ऑफ ट्रीटमेंट, अगर वो रेगुलर ट्रीटमेंट लेता है, एक दिन भी दवाई मिस नहीं करता है, अपने डॉक्टर अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ लगातार टच में होता है और अब अपनी हर छोटी से छोटी बात को अपने डॉक्टर से शेयर करता है, उसको जरा सा भी इन्फेक्शन होता है उससे उसी वक्त ठीक करवा लेता है और उसकी बॉडी का जो डोज एडजस्टमेंट है, हमें इसमें बहुत जरा ज़्यादा ज़रूरत होती है डोज एडजस्ट. जैसे हम आजकल देखते हैं कि कितनी मात्रा में उसके डोज और कितनी मात्रा में उसको दवाई की और किस दवाई की ज़रूरत है. कई बार हम किसी एक दवाई को बढ़ा देते हैं, एक दवाई को कम कर देते हैं बैलेंस बनाने के लिए, कभी स्टेरॉइड कम कर देते हैं, कभी स्टेरॉइड बढ़ा देते हैं, कभी उसकी रिजेक्शन होती है तो उसको इमीडिएटली और कितने प्रॉम्प्टली हमने उस रिजेक्शन को ठीक किया उसके ऊपर भी डिपेंड करता है उसका सर्वाइवल कितना होगा. तो जेनेटिकली मतलब जितना उसका क्लोज एसोसिएशन डोनर के साथ होगा, जैसे कि ब्रदर टू ब्रदर, अगर ट्विन है जैसे बताया डॉक्टर साहब ने पहले भी, ब्रदर टू ट्विन ब्रदर है तो उसमें इम्यूनो सप्रेशन भी बहुत कम होता है, उसकी सर्वाइवल भी सबसे ज़्यादा होती है. इसी तरह ब्रदर टू ब्रदर, ट्विन नहीं है लेकिन ब्रदर टू ब्रदर है, एक दो साल का उनका डिफरेंस है, या ब्रदर टू सिस्टर है. उसके अलावा मदर टू फादर या फादर टू सन, ये मदर टू सन एंड फादर टू सन, उसके अलावा फिर जो हस्बैंड वाइफ है, इनकी जैसे जैसे डिस्टेंस, इनकी इम्यूनोलॉजी का जो डिस्टेंस है या कह लो कि इनकी मैचिंग का जो डिफरेंस है वो जैसे जैसे बढ़ेगा उसका सर्वाइवल का असर उतना कम होता जाएगा. तो जितना अच्छा मैचिंग उतनी अच्छी सर्वाइवल, नंबर वन. नंबर टू उसकी रेगुलरिटी ऑफ ट्रीटमेंट. नंबर थ्री प्रॉम्प्टली ट्रीटमेंट ऑफ द रिजेक्शन. और रेगुलर ट्रीटमेंट के अलावा उसका इन्फेक्शन अगर कुछ हुआ है उसको इमीडिएटली ठीक करना, उसकी डोज दवाइयों की डोज को एडजस्ट करना, उसकी लाइफ स्टाइल, उसको अपने ना केवल किडनी की दवाइयों का बल्कि अपनी ओबेसिटी का, अपनी शुगर का, अपने ब्लड प्रेशर का, अपने बाकी
हेल्थ का भी ध्यान रखने, अपने डाइट का, इन सबका अगर ध्यान रखें तो किडनी का सर्वाइवल बहुत बढ़िया हो जाता है। और आजकल कहते हैं कि 3 साल अगर किडनी अच्छी चल गई तो अब उसको, हमारा जो एक्सपीरियंस है, अगर 3 साल रेगुलर चल गई और बिल्कुल अच्छे से चली, बिना किसी एपिसोड के, बिना किसी साइड इफेक्ट के, दवाई का और इजेक्शन का और इम्यूनिटी का, और उसको कभी बायोप्सी की जरूरत नहीं पड़ी, कि यूरिन में प्रोटीन नहीं आया, अगर इस तरह से चल गई तो उसकी सर्वाइवल बहुत लंबी और अच्छी चल सकती है, इनडेफिनेटली चल सकती है। आज भी एक पेशेंट जो हमने ट्रांसप्लांट किए थे, आज भी 20 साल के बाद भी आज 0.9-0.8 के साथ क्रिएटिन के साथ चल रहे हैं, रेगुलर और नॉर्मल लाइफ के साथ, खेतों में काम करते हुए, खेतों में, पंजाब के खेतों में काम करते हुए लोग 0.8 और 0.9 क्रिएटिन के साथ जब आते हैं और जब हम देखते हैं कि उनकी किडनी बिल्कुल ठीक है और मिनिमम डोज बहुत रेगुलर, और उनको कोई देख के बता नहीं सकता है कि इनकी किडनी ट्रांसप्लांट कभी हुई थी, तो किस टाइम पे, जब ये सारी चीज़ें अगर उसको फॉलो करे, रेगुलर टच में रहे, अपने डॉक्टर के साथ रहे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखे, डाइट का ध्यान रखे, मेडिसिन का ध्यान रखे, तो मुझे नहीं लगता है कि उसकी किडनी को, और आजकल इतना एडवांसमेंट हो गया मेडिसिन का, इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई, हमें पता चल जाता है कि कोई जो मेन, जैसे डॉक्टर साहब, डॉक्टर भल्ला सर ने बताया कि उसको टैक्रोलिमस, हम कई तरह की दवाइयाँ देते हैं, स्टेरॉइड देते हैं, MMF देते हैं, कई बार हमें पता चल जाता है कि टैक्रोलिमस या CNI की जो मेडिसिन का ग्रुप है वो असर नहीं कर रहा है, उसको साइड इफेक्ट दे रहा है, उस मेडिसिन को हम निकाल के हम दूसरी मेडिसिन कर देते हैं, किसी और दवाई के साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उसको उसको बैलेंस बना लेते हैं, तो हमें उस दवाई का भी पता चल जाता है, बायोप्सी से ही पता चल जाता है कि ये दवाई सूट नहीं कर रही है किसी पेशेंट को, तो हम दवाई को चेंज करके उसको दूसरी तरफ से लेके दूसरी दवाई को एडजस्ट करा देते हैं। तो इस तरह से अगर प्रॉम्प्टली उसका ट्रीटमेंट रेगुलर फॉलोअप के साथ हो, तो मुझे लगता है कि आज की दुनिया में, आज मतलब किडनी ट्रांसप्लांट से ऊपर कोई ट्रीटमेंट है नहीं डायलिसिस के, किडनी फेलियर के पेशेंट्स का, एंड दे कैन लिव एज लॉन्ग एंड एज नॉर्मल लाइफ एज पॉसिबल। सो डॉक्टर राघवेंद्र जी ने जो चीज़ें हमको बताई हैं कि रेगुलर ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी किडनी को, किडनी के सर्वाइवल की, किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद, उसके अलावा कई सारी कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि आपकी जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपका किडनी सर्वाइवल है वो कब तक चलेगा। बट डॉक्टर राघवेंद्र जी, एक सवाल जो मेरे मन में रेज हो रहा है, वो बहुत मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद वो किडनी सर्वाइवल उस ट्रांसप्लांटेशन के पेशेंट के लिए कब तक चलेगा, ये तो हम लोगों ने जाना, लेकिन अगर फैमिली में किसी ने उसको किडनी डोनेट की है तो उस सेकंड पर्सन के पास भी एक सिंगल किडनी ही रह गई है, उसके साथ कितने कितना रिस्क और क्या क्या चांसेस किस चीज के हो सकते हैं, प्लीज इसके बारे में हमें थोड़ा सा अवेयर करिए। बहुत अच्छा सवाल किया। अगर मैं ये कहूँ कि जिसने किडनी दी है उस ग्रुप को अगर हम इकट्ठा करें और जिसने किडनी नहीं दी है उस ग्रुप को हम इकट्ठा करें, तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जिस ग्रुप ने किडनी दी है उनकी लाइफ स्टाइल और उनकी जो लाइफ सर्वाइवल है बेटर है जिन्होंने किडनी नहीं दी है। आप यू विल बी सर, आप मतलब सोचेंगे शायद या इस ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके तो एक ही किडनी हो गई, तो ये ऐसा कैसे हो सकता है, आपके मन में जरूर सवाल आया होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिसने किडनी दी है उसके हम सारे टेस्ट करते हैं, उसको हार्ट का, लिवर का, किडनी का, साइकियाट्री टेस्ट, उसका गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी टेस्ट, उसको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, उसका यूरिन टेस्ट, उसका सारा इन्वेस्टिगेशन, उसका पूरा हेल्थ चेकअप होता है। अगर उसके 1% भी कोई प्रॉब्लम आती है या हमें लगता है कि नहीं वो किडनी नहीं दे सकता या नहीं देनी चाहिए या उसको रिस्क है, उसका ब्लड प्रेशर जरा सा भी ज़्यादा है या उसका शुगर जरा से भी, HbA1c जरा से भी ज़्यादा, तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब वो वी आर सेलेक्टिंग डोनर्स एज नॉर्मल एंड एज परफेक्ट इन देयर हेल्थ एज पॉसिबल। तो जितना पॉसिबल उसकी हेल्थ इतनी अच्छी, जितनी अच्छी उसकी हेल्थ होगी तभी हम उसका किडनी ले सकेंगे, तभी अदरवाइज वी विल बी पुशिंग हिम इनटू रिस्क ऑफ दी हेल्थ, मतलब उसकी हेल्थ को हम रिस्क क्यों करेंगे। तो इसलिए उस ग्रुप को जिसमें हमने टेस्ट किए हैं, और नॉर्मल पर्सन जो नॉर्मल पॉपुलेशन है जिसमें हमने टेस्ट ही नहीं किए, जिसमें हमें पता भी नहीं उनकी हेल्थ का स्टेटस क्या है, उसमें कितनों को ब्लड प्रेशर होगा, कितनों को डायबिटीज होगी, कितनों को लिवर, गैस्ट्रो और कई कई तरह की बीमारियां होंगी, तो अगर हम उसको फॉलो करें तो किडनी, कहने का मतलब मेरा ये है कि किडनी देने के बाद उनकी जिंदगी पे कोई असर नहीं होता है, दे लिव नॉर्मल लाइफ। और आज तक जिन्होंने किडनी दी है मुझे लगता है किसी भी सेंटर पे ट्रांसप्लांट हुआ हो तो डोनर लिव्स एज नॉर्मल और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, 99.99% नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं एक किडनी देने के बाद, उनको कोई नुकसान नहीं है। इसलिए मेरी जनता से ये अपील है कि आप किडनी ऑर्गन डोनेशन का प्लेज करें। आज की दुनिया में आज अगर आप एक किडनी, भगवान ने हमें 2 किडनी दिए इसीलिए दिए कि हम किसी की एक किडनी खराब है अपनी फैमिली में, अपने किसी रिश्तेदार में या रिलेटिव्स में अपने, तो अगर हम एक अपनी किडनी दें या प्लेज करें कि हमारी डेथ या इमीडिएट हमारी कोई ब्रेन डेथ अगर ना खुदा ना खास्ता हो, तो अगर हम प्लेज करें कि हमारा ऑर्गन लिए जा सकते हैं, तो इससे बढ़िया और कोई सोसाइटी के लिए काम नहीं होगा।
तो एक किडनी देने के बाद नॉर्मल रह सकते हैं जी। बहुत अच्छी चीज और इम्पोर्टेंट चीज डॉक्टर राघवेंद्र जी ने हम लोग को बताई है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इस चीज से अफ्रेड रहते हैं कि अगर मैं अपनी किडनी अपने रिलेटेड अपने रिलेटिव को दे दूंगा तो फिर आगे मेरे साथ क्या क्या दिक्कतें आएंगी। तो उनके लिए डॉक्टर राघवेंद्र जी ने ये चीज क्लियर कर दी है कि उनको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बल्कि वो अपने ऑर्गन डोनेशन के लिए आगे बढ़े ताकि दूसरे को लाइफ मिल सके, प्रॉपर लाइफ मिल सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर राघवेंद्र जी। एंड अब आते हैं डॉक्टर अरूप जी के पास। डॉक्टर अरूप जी से पूछेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर साहब, किडनी ट्रांसप्लांटेशन पर इतनी ढेर सारी बातें करने के बाद अब एक्सपर्ट से किडनी की केयर के बारे में थोड़ा सा जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी पड़ता है, ताकि हम किडनी को ट्रांसप्लांट करने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसा क्या क्या किया जाए एक नॉर्मल इंसान ने, क्या ऐसा क्या क्या करे डेली रूटीन की अपनी लाइफ स्टाइल में, ताकि ताउम्र उसकी किडनी सेफ एंड हेल्दी रह सके। ओके, फर्स्टली थैंक यू वेरी मच for asking me here. And ये जो last question जो आपने पूछा है हमको, ये this is also extremely important. तो हम लोग जैसे अभी तक बात हुआ है कि transplant, also dialysis, ये बहुत अच्छा treatment है for organ failure. लेकिन ये बात भी सही है कि हम लोग कोई भी चाहते नहीं है कि चीज़ उस तरफ जाए. This is always better that अगर कोई prevent कर सके इसको, advanced kidney failure को. तो अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, तो एडवांस किडनी फेलियर किससे होता है? अगर हम और हमारे जो दोस्त लोग यहाँ पे हैं सारे के पास, अगर हम लोग 100 न्यू पेशेंट्स देखते हैं चेंबर में से ओवर अ वीक, तो इसमें से 80-90% पेशेंट्स होंगे डायबिटीज का एंड हाइपरटेंशन का। इसके मतलब मेजोरिटी ऑफ द रीनल फेलियर, किडनी फेलियर जिसको डायलिसिस ट्रांसप्लांट का दरकार हो रहा है किसी टाइम पे, ये सारे आइदर डायबिटीज या हाइपरटेंशन से इसका किडनी फेलियर होता है। सो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन का कंट्रोल रखना। अब इसमें आई जस्ट ये अपॉर्चुनिटी हम लेंगे सबको बोलने के लिए कि इसका इंसिडेंस क्या है। अभी अगर 100 आदमी नॉर्मल आदमी का अगर हम देखते हैं, इसमें 30% के ऊपर हाइपरटेंशन का इंसिडेंस है। इसका मतलब फॉर एवरी 100 पेशेंट्स 30-35 पेशेंट्स विल बी having a high blood pressure. 8-10% patient को diabetes हो गया है। Cities में हमारे एज ग्रुप में अगर आप देखें तो almost 25% patient, हमारे क्लासमेट्स जो स्कूल का क्लासमेट हमारे एज का 30% diabetes हो गया है। सो यू अपना व्हाट्सएप ग्रुप में आप चेक करके देखिए कितने का diabetes है, कितने का hypertension है, you'll be surprised. So this is a function of lifestyle. हम लोग का lifestyle भी change हो गया है, physical activity कम हुआ है, food habits change ho gaya hai, so there's a lot of hypertension, diabetes is coming, and the kidney failure, also heart failure, also strokes, also eye disease, ye sare cheeze hypertension diabetes se aa rahe hain. Aap kisi bhi heart ka hospital mein jaiye, usi kiska bypass ho raha hai, kiska angioplasty ho raha hai, hamare idhar mein aap dialysis unit mein jaiye, kiska ho raha hai transplant, kiska ho raha hai, zyada tar se diabetic ka aur hypertension ka ho raha hai. So hum log ka focus yahi hona chahiye कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन का सही ट्रीटमेंट शुरू से, अगर किडनी का प्रिवेंशन बोल के कुछ अगर बोलना है तो यही बोलना है। ऐसे नहीं कि हमारा जो डे टू डे लाइफ में ये मत खाओ वो मत खाओ, ये करने से कुछ नहीं होता है। ऑफकोर्स कोई बैड हैबिट सब लोग का होता है, एक कुछ जो पेन किलर लेने का आदत होता है बहुत आदमी का, जो गैस का दवा बंगाल में तो बहुत है, सुबह उठ के पैन 40 ले लेते, ये एक हैबिट हो गया है बहुत आदमी का। दिस ऑब्वियसली ये अच्छा हैबिट नहीं है, बट लेकिन ये एक स्मॉल चीज़ है। असल चीज़ है जिसका हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, उसका हाइपरटेंशन डायबिटीज़ का कंट्रोल रखना है शुरू में से। और इसका हिस्ट्री इस तरह होता है, आप समझो किसी का अब डायबिटीज़ शुरू होने वाला है, किसी का शुगर थोड़ा सा हाई हुआ है, तो वो उसको केयर नहीं करते, चलो ये तो कोई मामूली सी बात है, हम ये खा लेंगे वो खा लेंगे, इसका पत्ता ये कर लेंगे, किसी यूट्यूब में इसने कुछ बोला वो हम कर लेंगे, ऐसा कर करके 2-3 साल निकल जाते हैं। तब शुगर ज़्यादा होता है, थोड़ा वीकनेस लग जाता है, उसका दवा चालू होता है 1 टैबलेट, कुछ दिन बाद 2 टैबलेट्स, इसके बाद वो थोड़ा सीरियस होता है कि डॉक्टर के पास जाना शुरू करते हैं, डॉक्टर देखते हैं कि उसको ऑर्गन में थोड़ा थोड़ा प्रेशर आ रहा है, वो दवा को बढ़ाते हैं 2-3 टैबलेट, फिर 10-15 साल जब हो जाता है तब इंसुलिन का दरकार होता है बहुत आदमी को, और इसी समय आपको ऑर्गन्स भी वीक होना शुरू हो जाता है, किडनी में प्रोटीन आना शुरू होता है, उसको हम लोग टेस्ट करके हम लोग देखते हैं, यूरिन माइक्रोएल्बुमिन नाम का एक तो टेस्ट है, फिर क्रिएटिनिन जो किडनी फंक्शन का मेजर मार्कर है, वो क्रिएटिनिन में धीरे धीरे बढ़ने लगता है, पहले प्रोटीन आता है उसके बाद किडनी का। पर ये कब होता है? शुरू में नहीं, आज आपको डायबिटीज हुआ है तो कल आपको ये चीज़ आपको नहीं होगा,
सात आठ दस पंद्रह साल बाद में होगा, लेकिन ये शुरू से आप इसको ध्यान दें। और ये चीज़ हाइपरटेंशन के लिए भी एकदम सही, एकदम सेम है। और आदमी ऐसे सोचे नहीं, हम तो फिट है, हम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको डॉक्टर बोले तुम्हारा 170-90 ब्लड प्रेशर है, वो तुम्हारा नॉर्मल है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है, हमारा सिम्टम नहीं हो रहा है, इसका मतलब नहीं है कि हम ये नॉर्मल है और यही चीज़ हमारा चलेगा। एक टारगेट्स होता है, जैसे एग्जाम में एक पास मार्क होता है, आपको 40% है पास करने के लिए, ऐसा हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट में 130-80 आजकल माना जाता है कि ये आपका पास मार्क है, इससे ऊपर है तो आपको ट्रीटमेंट करना है। शुगर आपको आपको पता है कि आपको फास्टिंग शुगर 110 के नीचे, पीपी शुगर 150-160 के नीचे, ये हमेशा आपको रखना है। अगर हम बोलते हैं नहीं हम तो चावल नहीं लेते हैं, हम चीनी नहीं खाते हैं, तो हम तो शुगर का हम सब ध्यान रखते हैं, लेकिन मेरा शुगर 300 है, डॉक्टर सोचे ना वो तो तुम्हारा नॉर्मल है, दिस इज द रॉन्ग थिंग। सो वी हैव टू मेंटेन दोज टारगेट्स राइट फ्रॉम द स्टार्ट। जब भी हमारा डायबिटीज हाइपरटेंशन डायग्नोज हुआ, उसी समय से हम ये टारगेट के ऊपर हमारा ओरिएंटेशन रहे और हम थोड़ा ध्यान दें कि हमारा दवाई लेके या ना लेके जो भी है, ये टारगेट हम मेंटेन कर रहे हैं और एक साल दो साल दस साल पंद्रह साल उसको हम मेंटेन कर जा रहे हैं, तभी ये डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन हाइपरटेंशन का कॉम्प्लिकेशन कम होगा। और ये सिर्फ किडनी का बात नहीं है, आपको स्ट्रोक इंसिडेंस भी कम हो जाएगा, हार्ट फेलियर हार्ट अटैक का इंसिडेंस भी कम हो जाएगा। एंड इसका और एक सेंट्रल पीस अभी हम बताएंगे, दैट इज ओबेसिटी। यू लुक एट द पॉपुलेशन नाउ। अब जब स्कूल में थे तो हमारे क्लास में हो सकता है 40-50 के क्लास में एक मोटे बच्चे होते थे, सिर्फ एक। हमारा स्कूल के एक फंक्शन में आपको बुलाया गया था दो साल पहले, ऐसे ही जस्ट एक स्टूडेंट, तो हम लोग तो बैठे थे वहाँ पे, और वो पोडियम में तीन चार हम लोग के फादर्स और प्रिंसिपल्स वो सब थे, और छोटे छोटे बच्चे आके उन लोग का वो जो फेलिसिटेट कर रहे थे, वो जो फूल वगैरह दे रहे थे, तो जो स्टेज पर उठ रहे थे बच्चे, हमने देखा सबका चेहरा सेम हो गया, सारे डॉक्टर गुलाटी बोल पाएंगे चाइल्डहुड में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो गया है। सो सारे ओवरवेट थे, एंड उसका ड्रेस भी मोर ऑर लेस सिमिलर, बट एवरीबॉडी वाज ओवरवेट। हम सोच रहे थे हमारे क्लास में तो सिर्फ एक ही होते थे। नाउ इफ यू लुक एट योर फैमिली, यू लुक एट योर फ्रेंड्स फैमिली, गुड परसेंटेज हैज बिकम ओबेस नाउ। और ये ओबेसिटी से ही आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, सब कुछ जुड़ा हुआ है ओबेसिटी से। मेन प्रिवेंशन अगर बोलना है कि हाइपरटेंशन डायबिटीज प्रिवेंशन एंड प्रिवेंशन, लुकिंग एट योर ओन बॉडी, फिजिकल एक्सरसाइज, सो दैट यू डोंट एक्सीड, सब हाइट का एक उसका अनुसार एक आइडियल बॉडी वेट होता है, उसका एक रेंज होता है कि आपको 5.5 फुट हाइट है, आपको वेट 65-70 तक होना चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल, तो उसी रेंज पर आपको होना चाहिए। यू हैव टू बी कॉन्शियस कि मेरा आइडियल वेट क्या होना चाहिए, और हमारा फूड हैबिट, हमारा फिजिकल एक्टिविटी उसी तरह होना चाहिए कि हम आइडियल वेट को मेंटेन करें। ये करने से भी आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज के इंसिडेंस कम हो जाएगा। The other thing, I will take this opportunity to also say, जो हमारे ये इंडिया में 1.3 billion population, you can understand, इसमें से अगर 30% का हाइपरटेंशन है और 10% का डायबिटीज है, so what is the disease burden? And अगर किसी का डायबिटीज है तो उसमें से 50% का किडनी डिजीज होने वाला है 10 साल बाद। So you can understand what is the disease burden. इसका उपाय क्या है? इसका उपाय is consciousness. वो consciousness, कोई भी कंट्री के पास इतना पैसा नहीं होगा, इंडिया के पास तो नहीं, कि इतना बर्डन को हम गवर्नमेंट की तरफ से ट्रीटमेंट करें। इट इज इम्पॉसिबल टास्क फाइनेंशियली। सो ये चीज हमारे ऊपर आते हैं, तो कैसे हम इसको प्रिवेंट करें? ये शुरू से ही हाइपरटेंशन, डायबिटीज के ऊपर अवेयरनेस, ओबेसिटी के ऊपर अवेयरनेस, एंड आई थिंक इट शुड स्टार्ट फ्रॉम चिल्ड्रन। स्कूल चिल्ड्रन मस्ट नो, स्कूल चिल्ड्रन मस्ट टेल देयर पेरेंट्स दैट यू नो दिस इज योर यू आर नॉट लुकिंग ऑलराइट, ओबेसिटी और हाइपरटेंशन डायबिटीज का केयर ले। इसका मतलब सिम्टम नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ठीक है, और इसका बिल ट्रीटमेंट प्रोस्पेक्टिव टेस्टिंग में होना चाहिए। सो आई विल फोकस मेनली ऑन अवेयरनेस अबाउट डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी। अगर ये हम कर पाते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, गवर्नमेंट कैन स्पेंड मनी ऑन ट्रीटमेंट, बट गवर्नमेंट कैन स्पेंड मनी ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट हाइपर, एंड मे हैव प्रोग्राम्स ओरिएंटेड फॉर अवेयरनेस टुवर्ड्स हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड ओबेसिटी। तो इसी से इवेंचुअली हमारा रीनल फेलियर, हार्ट डिजीज, आल्सो हार्ट डिजीज एंड आल्सो स्ट्रोक्स परहैप्स कम हो जाएंगे। सो जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे इस वेबिनार को देख रहे हैं, विच इज स्पॉन्सर्ड बाय एसआरएल लैब्स,
वो हमारे जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए जो हमारे डॉक्टर्स अवेयर रहने के लिए जितनी ढेर सारी जानकारियां दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मैं सुन पा रही हूँ कि अवेयर रहने के लिए जो डॉक्टर अरूप दत्ता जी ने जितनी चीज़ें बताई हैं कि न सिर्फ किडनी बल्कि अपनी ओवरऑल बॉडी को जो ठीक रखने के लिए जो बचपन से हमें अपने बच्चों से लेकर शुरुआत करनी है, उनके ओबेसिटी को कंट्रोल में रखना है, उन्हें जो हम लोग जंक फूड्स वगैरह खिलाते हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखना है, उसके बाद हमें डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को लेकर अवेयर रहना है। तो हमारे जितने भी व्यूवर्स हमसे जुड़ रहे हैं इन सारी चीज़ों को, इन सारी अवेयरनेस को लेकर चलिए तो हमारी किडनी पर जो पड़ने वाला असर है वो बहुत हद तक कम हो सकता है। एंड डॉक्टर दत्ता जी से मैं पूछना चाहूँगी, डॉक्टर साहब आपने जो अवेयरनेस को लेकर चीज़ें बताई हैं तो एक सवाल मेरे मन में ये एक छोटा सा उठ रहा है कि अगर हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ जो दो चीज़ें आपने बताई हैं कि ये दो प्रोमिनेंट चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा लोग फेस कर रहे हैं और इनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ रही हैं उनके सामने आ रही, तो अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है तो क्या रेगुलर में उनके लिए कोई ऐसा किडनी से रिलेटेड कोई चेकअप है जो टाइम टू टाइम वो कराते रहें और उनको ये मालूम पड़े कि उनकी किडनी अभी ठीक है और इसी तरह से वो रहेंगे तो वो इस तरह से किडनी ठीक रहेगी, क्या कोई चेकअप है ऐसा जिसको लेके वो चल सके? यस, तो हम लोग किडनी हेल्थ देखने के लिए दो टेस्ट के लिए हम लोग बोलते हैं, एक यूरिन में प्रोटीन आ रहा है कि नहीं ये चीज़, एंड क्रिएटिनिन नाम का जो एक ब्लड टेस्ट है जिससे किडनी का फंक्शन पता लगता है। तो ये टेस्ट एकदम साधारण टेस्ट है और ये आपको जो फिजिशियन है वो अक्सर इसको कराते ही हैं। एक्चुअली द रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वुड से अगर किसी का हुआ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फिजिशियन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिजिशियन के पास जाना, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना तक ही है, बाकी इट इज नॉट अपॉन यू टू टेस्ट योरसेल्फ जस्ट फॉर दिस। अगर आप एक रेगुलर फिजिशियन के पास जा रहे हैं, आपके एक हाइपरटेंशन किसी ने मैनेज कर रहे हैं, आपको डायबिटीज किसी ने मैनेज कर रहे हैं, एक सही डॉक्टर जो इस लाइन का है तो ये उनका एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट में ही आ जाएगा। आजकल शुगर और प्रेशर का ट्रीटमेंट सिर्फ दवाई नहीं है, दूसरे ऑर्गन्स पर्टिकुलरली हार्ट कैसा है, किडनी कैसा है, आँख कैसा है, ये सब साथ साथ में इसका मॉनिटरिंग करना, दिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डायबिटीज हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट। एंड इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका आपका डॉक्टर का ही है, आपको सिर्फ अवेयरनेस चाहिए, आपको सिर्फ डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। हमारे जितने भी व्यूवर्स अगर कुछ उनमें से ऐसे हैं जो हाइपरटेंशन या डायबिटीज से गुजर रहे हैं तो वो अपनी किडनी को लेकर बहुत अवेयर है, ना सिर्फ किडनी को लेकर अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को लेकर अवेयर रहें, चीज़ों को प्रिकॉशंस के तौर पे जितने भी हमारे डॉक्टर्स ने बताया उनको लेकर चलें प्लीज। तो हमारे पास जो ओबेसिटी के बारे में डॉक्टर रूप दत्ता ने एक बहुत अहम बात करी जी डॉक्टर, एंड इस पे बहुत सारी रिसर्च वर्ल्ड ओवर हुई है and it has been seen that ye as you rightly said ye schoolon mein hame intervention karni hai agar hame hum chahte hain ki diabetes aur blood pressure se bachna hai to this effort has to be started in the school hame greater awareness phailani hai we should make sure that no junk foods beverages are available and it is possible aapne dekha hoga ki the stop crackers campaign started from the school itself and it is so successful so I think taking a page out yani usse seekh leke hame ye jagrukta schoolon se shuru karni hai aur isi se iska ek by product rahega prevention of kidney disease prevention of heart disease prevention of diabetes to iske bahut sare fayde hain but it has to be started there itself the prevalence of obesity schoolon mein jo ek आज से 5 साल पुरानी स्टडी 10 गुना बढ़ गई थी, ऑलरेडी 5 years बैक इट वॉज 10-fold टूडे। अब ये दिस द कोविड पेंडेमिक हैज मेड इट इवन मोर डिफिकल्ट बिकॉज आप देख रहे हैं कि स्कूल के बच्चे ज़्यादातर टाइम अपना कंप्यूटर के सामने बिता रहे हैं और घर पे आपको जंक फूड मंगवाना और भी आसान हो गया है, जोमेटो स्विगी आप जो मर्जी चाहें, सो इट इज वी आर इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है, डाइट बिगड़ती जा रही है, सो वी हैव टू फॉलो फॉल बैक। इंडियन डाइट ट्रेडिशनली हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट हेल्दी डाइट्स जिसमें हम बाजरा ज्वार इस तरह की मिलेट्स खाते थे अगर आपने देखा हो जी, so, जी, you know, जी. we have to promote get back to our own Indian culture
इंडियन खाना खाएं, पौष्टिक आहार खाएं और साथ साथ योगा करें। अगर ये सब करें, आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, जिम इज क्लोज, नो प्रॉब्लम। आप यूट्यूब का इस्तेमाल करें और उस पर योगा फॉलो करें, सो यू कैन, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सो आई थिंक द चैलेंजेस, वन ऑफ द चैलेंजेस इन द पेंडेमिक हैज बीन दिस, एंड आई एम श्योर स्टडीज विल कम इन, ये स्टडीज चल रही हैं कि पेंडेमिक एडल्ट्स में डेटा ऑलरेडी आ चुका है कि डायबिटिक्स में जो ब्लड शुगर कंट्रोल था और जो वेट था वो कई गुना बढ़ गया पेंडेमिक के दौरान, क्योंकि उन्होंने एक्सरसाइज ही नहीं की। बिल्कुल, तो हेल्दी रहने की जो अवेयरनेस है उसकी शुरुआत हमें स्कूल से करनी होगी, बचपन से करनी होगी, बच्चों के साथ करनी होगी, ताकि वहीं से बच्चे अवेयर हो जाएं और आगे चलकर अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहें, तो आगे चलकर हमें इन सारी चीज़ों को, इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस ही नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर गुलाटी जी। एंड क्योंकि हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है, बट मैं डॉक्टर मेहरा जी से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब, हमारे कुछ व्यूअर्स ने भी एक क्वेश्चन भेजा है जो पूछना चाहते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन को लेकर वो डॉक्टर सेलेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, बट किडनी ट्रांसप्लांटेशन में लैब का क्या रोल है, इसको लेकर वो अवेयर होना चाह रहे हैं, प्लीज इसके बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए, लैब का तो बहुत ही अहम रोल है। मैं आपको एक और बताना चाहता था, देखिए आज पहला जो किडनी ट्रांसप्लांट दुनिया में किया गया वो 1954 में किया गया था, एंड ऑफ द ईयर December 23 को 1954 में जॉन मरे साहब ने, जोसेफ मरे साहब ने किया था बॉस्टन में, और आज 67 ईयर्स के बाद हमने बहुत कुछ सीखा। और उस दौरान में, और आपको पता ड्यूरिंग द हमारे बातचीत के दौरान भी डॉक्टर बल्ला ने भी कहा कि अगर ट्विन हो, अगर आपके पास कोई ट्विन है, मोनोजाइगस ट्विन, ट्विन भी दो तरह के होते हैं, अगर आपका कोई मोनोजाइगस ट्विन है तो उसे अगर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराएं तो बहुत अच्छा रहता है। और एक कहानी है नाइटिंगेल ट्विन्स की, जो कि 1960 में ट्रांसप्लांट किया, तो लड़कियां दोनों तब 14 साल की थीं और दोनों ट्विन्स थीं, एक की किडनियां खराब हो गई, दूसरे में थी उस वक्त, 1960 में हमारे पास कोई नॉलेज HLA टाइपिंग की नहीं थी, एंटीबॉडीज की नहीं थी, लेकिन क्योंकि ट्विन्स थी और वो किडनियां दोनों आपस में ट्रांसप्लांट किया और 51 साल तक चली वो, तो ये एक चैलेंज रहा इम्यूनोलॉजिस्ट के लिए कि भाई अगर ट्विंस कैसे कर सकता है। और आज हमारे पास लैब में बहुत तरह के टूल्स हैं। तो सबसे बड़ा रोल जो लैब का रोल है, लैब का रोल सिर्फ HLA टाइपिंग नहीं करना या एंटीबॉडी डिटर्मिनेशन नहीं करना, जो हमें एक्ट ने कहा, देखिए हमारे पास कोई आ जाता है, वो कहता है साहब ये डोनर मेरा फादर है, मदर है या भाई बहन है, हमको कैसे पता चलेगा जो ये कह रहे हैं सही है कि नहीं है। तो एक रोल लैब का ये है कि अपना जेनेटिक टेस्ट जो किया, जो HLA टेस्ट किया, उससे हम पता करें वाकई ये मतलब फैमिली रिलेशन में है कि नहीं है। और जहां हमको शक पड़ता है फिर हम अपनी टीम के पास जाते हैं, देखो भाई आपने ये डोनर लाए थे, ये शायद इसमें थोड़ा सा गड़बड़। तो ये एक बहुत बड़ा रोल जो है लैब का है। एक होता है Form 5, वो जो एक्ट बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हर लैब को एक HLA की या एंटीबॉडी की टेस्ट की रिपोर्ट के साथ साथ Form 5 को भी करना होता है साइन, ये कह के कि हमारी टेस्ट से ये पता चलता कि वाकई ये भाई बहन है या ये है। अब कई बार ऐसा भी है कि वाइफ आ गई, अब ये नहीं मालूम कि वाइफ उसकी असली वाइफ है कि कोई और ही भी ले आया, तो इसमें हम उसको कहते हैं कि कंसेंट HLA, उसमें हम एक चाइल्ड का लेके टेस्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है चाइल्ड में आधे जीन्स तो माँ से आए, आधे फादर से आए, उससे भी पता है। तो ये सब रोल लैब के हैं, इन एडिशन टू व्हाट वी डू इन टर्म्स ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द डोनर या किडनी मतलब ठीक तरह से काम कर रही है। तो ये एक्ट का भी हमको ध्यान रखना, वहाँ अकॉर्डिंग टू द एक्ट के डोनर कोई अननेसेसरी अनरिलेटेड ना हो, कोई पेड ना हो, कोई इस तरह का ना हो, तो वो भी एक बहुत बड़ा रोल लैब का ही है। सो किडनी ट्रांसप्लांटेशन को लेकर जो डॉक्टर्स का जितना इंपॉर्टेंट रोल है उतना ही इंपॉर्टेंट रोल लैब का भी है। एंड हमारे वेबिनार का जो टाइम लिमिटेशन है वो लगभग ख़त्म हो चुका है, एंड बट स्टिल हमारे पास जो इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, जो इतना जानकारी से भरा हुआ टॉपिक चल रहा है, उसको लेकर बहुत ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो अभी भी बाकी रह गए हैं, बट हम बाध्य हैं क्योंकि हमारे पास जो टाइम लिमिटेशन है वो ख़त्म हो चुका है। मैं अपने पैनलिस्ट से, अपने एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट करूँगी कि हम लोग
लोग फिर से साथ में जुड़ेंगे जल्द ही जो हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चन है ताकि उनको हम लोग सॉर्ट आउट कर सकें। एंड मैं अपने वेबिनार को वाइंड अप करने के लिए आगे बढ़ती हूँ। एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन को लेकर आज हम लोगों ने एक्सपर्ट के जरिए जितनी बातें जानी है वो किसी भी किडनी पेशेंट के साथ साथ हेल्दी पर्सन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। एंड ऐसी सभी रेयर जानकारियों को आज हमारे वेबिनार पर हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए मैं अपने एक्सपर्ट्स को बोलूंगी थैंक्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर राघवेंद्र जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर भल्ला जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर गुलाटी जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर बत्रा जी, थैंक यू सो मच आप सभी का। एंड डॉक्टर मेहरा जी हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। डॉक्टर मेहरा जी शायद कनेक्टिविटी आपके चैनल के द्वारा आई थिंक आपके बिहाफ पे एक मैसेज आपके व्यूअर्स के लिए, प्लीज डू नॉट टेक योर ऑर्गन्स टू हेवन, वी नीड देम बैक ऑन अर्थ, यानी ऑर्गन डोनेशन, प्लीज प्लेज योर ऑर्गन्स। और इसमें मीडिया का बहुत अहम रोल है क्योंकि ये डॉक्टर्स का काम नहीं है, दिस इज द काम, यू नो दिस इज द जॉब ऑफ सोसाइटी, एंड यू नो मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ यू नो डेमोक्रेसी, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट मीडिया हैज टू प्ले in popularizing or in creating awareness of organ donation. जी अपने डॉक्टर्स की तरफ से और अपने जितने भी नीडफुल हमारे व्यूअर्स अगर कुछ हमसे जुड़ रहे हैं या जितने भी बाहर नीडफुल लोग हैं उन लोगों की तरफ से हम कन्वे करना चाहेंगे मैसेज या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ऑर्गन डोनेशन को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़िए ताकि जो भी नीडफुल लोग हैं उनको उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एंड डॉक्टर मेहरा जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जाने से पहले प्लीज़ कुछ क्लोजिंग रिमार्क हमारे व्यूअर्स के लिए दें। नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि आज का वेबिनार बहुत ही अच्छा रहा, हम सबको सीखने को मिला। देखिए मैंने जैसे कहा कि 67 इयर्स अगो ट्रांसप्लांट किया गया, लेकिन हम रोज सीखते हैं, मरीज जो है हमको सिखाता है। असल में हम ये नहीं कि कहते हैं कि जो हमने सीख लिया हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग आपस में कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो नई नई चीजें लाते हैं। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि देश में, हमारे देश में इतने बढ़िया सेंटर्स हैं, जो चीज़ें बेस्ट एक सेंटर अमेरिका में कर पा रहा है वही हम यहाँ भी कर पा रहे हैं, और कॉस्ट भी सारा कम। तो मैं ये कहूँगा जिनको किडनी फेल्योर है हमारे डॉक्टर्स के ऊपर फेथ रखें। हमारे पास अब उम्दा से उम्दा नेफ्रोलॉजिस्ट है, उम्दा से उम्दा सर्जन है, और एक ट्रांसप्लांट टीम है। देखिए ये मेरे कोलीग्स हैं, मेरे साथ थोड़े से यंगर हैं ये, तो ये हमारी एक अच्छी टीम है, ये यंगर हैं, तो जब भी मिलेंगे तो इज्जत से ममान इज्जत से, तो एक टीम जो है ये टीम वर्क है। मैं ये कहूँगा कि यहाँ इंडिया में बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं किडनी ट्रांसप्लांट के, अंदर ही हमारे यहाँ हर छोटे शहर में भी है इस तरह की चीजें, तो कुछ वबरी की बात नहीं है। अब तो HLA लैंप्स भी बहुत हैं, और मैंने तो अपना एम्स में 45 इयर्स रहा, उसके बाद मैंने SRL में एक, जो आपने भी कहा कि एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया, और उसको कई लोग जो बाहर के भी आए वो भी देख के गए, उन्होंने बोला हाँ साहब आप वही चीजें कर रहे हो जो कि हम बैठ के वहां पर कर रहे हैं। तो मैं जनता को आपके बिहाफ से यही कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट और किडनी के बारे में जो एक्सपर्टीज है वो बहुत ही अच्छी है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर मेहरा जी, एंड हमारे सारे डॉक्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अ वेरी बिग थैंक्स टू SRL लैब्स आल्सो। एंड व्यूअर्स आप रखिए अपना ख्याल, किडनी के साथ साथ खुद को रखिए पूरी तरह से हेल्दी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनों का साथ बनाए रखिए। मिलेंगे फिर आपसे जल्द ऑन द सेम प्लेटफॉर्म किसी एक और नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। नमस्कार नमस्कार।